जिंदगी में जब हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हो, तब कई बार ऐसे आइडिया आते हैं जो पूरी तरह से कायाकल्प कर देते हैं। अनिल भाई के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। वो 200 रुपए महीने की नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें पता था कि इससे ना उनकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है और ना ही परिवार की स्थिति सुधरने वाली है। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि उन्हें नौकरी छोड़कर बिजनेस में हाथ आजमाना है। 1996 में उन्होंने अपने पिता और भाई की मदद से सप्तगिरी ग्रुप की शुरुआत की और 180 स्क्वायर फीट की दुकान से प्लाई बोर्ड बेचने का काम शुरू किया। मेरा ये बिजनेस का जर्नी 1996 में हुआ था, जब हमारा परिवार का सिचुएशन का हिसाब से फर्स्ट पीयूसी का बाद में स्ट्राइट अवे काम पे लग गया। वो टाइम पे मेरा मंथली सैलरी था 200 रुपीज़। जब मेरा घर को चलाना था या कुछ आगे बढ़ना था, सो मेरे को वो 200 रुपीज़ पे नहीं हो सकता था। सो देन मैं सोचा नहीं, बिजनेस करना ही पड़ेगा। देन मैं और मेरा पिताजी और मेरा भाई, हम तीनों मिल के 97 में हम ये फर्म को स्टार्ट किया था, सप्तगिरी ट्रेडर्स करके। वो टाइम पे मेरा 180 स्क्वायर फीट का शॉप था। लेकिन उनके मन में एक ही ख्वाब था जो दिन रात उन्हें चैन की नींद नहीं सोने दे रहा था, कि सप्तगिरी को एक दिन कर्नाटक में ऐसा ब्रांड बनाना है जिस पर कस्टमर आंख मूंद कर भरोसा करें। आज उनका सपना हकीकत बनता दिख रहा है। 180 स्क्वायर फीट की दुकान से वो 1.5 लाख स्क्वायर फीट के गोडाउन में आ चुके हैं और अब उनका इरादा 10 लाख स्क्वायर फीट का वेयरहाउस खोलना है, जहां हर वैरायटी का लेटेस्ट से लेटेस्ट सामान एक छत के नीचे मिल जाए। आज वो 180 स्क्वायर फीट का शॉप से लेके जो मेरा आज तक एंटायर मेरा टीम या मेरा पार्टनर्स और माय ब्रदर, ये सब लोग का साथ में मिलके हम मोर देन 1.5 लाख स्क्वायर फीट वेयरहाउस तक हम पहुंच गया है अभी। सो आज हमारा नेक्स्ट गोइंग टाइम पे उसको नियर अबाउट 10 लाख स्क्वायर फीट का वेयरहाउस बनाने का अपना इरादा भी है। साल 2010 में अनिल जी की कारोबारी जिंदगी में नया चैप्टर शुरू हुआ, जब उन्होंने ग्रीन पैनल इंडस्ट्री के साथ काम शुरू किया। वो ऐसा वक्त था जब बेंगलोर और पूरे साउथ में लोग MDF पर भरोसा नहीं करते थे। उन्हें एक ट्रक माल बेचने में कई बार 2-3 महीने लग जाते थे, लेकिन वो भांप चुके थे कि एक दिन लकड़ी के बोर्ड की जगह MDF लेगा, तब उनके पास कस्टमर की लाइन लगी होगी। 96 से लेके 2010 तक, जो ग्रीन पैनल का MDF स्टार्ट होने तक हमारा एक्चुअली एंटायरली प्रोडक्ट ही अलग था। 2010 में जब मैं स्टार्ट किया था, इट्स हार्डली 1 ट्रक से हमारा काम चालू हुआ था। एक ट्रक और 2 ट्रक से मेरे को मटेरियल भेजने में, वो MDF का मटेरियल भेजने में लगभग 3 महीना हो गया था। वो टाइम पे अदर ब्रांड्स भी थे, सो कंसिस्टेंसी ऑफ सप्लायर MDF में डोमेस्टिक का किसी का नहीं था। इसीलिए हम ये इसको चुना था कि कंसिस्टेंसी सप्लाई इज मैंडेटरी था फॉर एनी बिजनेस। अब उनकी कंपनी मल्टी ब्रांड्स में डील कर रही है। इनमें ग्रीन पैनल के अलावा और भी कई सारे लीडिंग ब्रांड्स हैं। अनिल जी का अब फोकस मार्केटिंग की न्यू टेक्नोलॉजी पर है, ताकि कारोबार को कर्नाटक के 3-tier शहरों और कस्बों तक पहुंचाया जा सके। सो 2010 का बाद में हम अभी तक में हम 10 कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अभी चालू किया है। अभी टेक्नोलॉजी का साथ में हम बहुत कुछ एडम भी अपना फर्म में किया हुआ है। वो टाइम पे हमको ये कुछ भी नहीं था, एंड ERP का साथ में भी अगर चेक करेंगे तो ERP पे भी अपना कोई फोकस नहीं था। आज का टाइम पे एक्चुअली वुड प्रोडक्ट्स का एंटायर सिनारियो आफ्टर द कोविड इस चेंज हो गया है। प्लाईवुड का सेल
बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू MDF आफ्टर कोविड का टाइम पे. सो वी आर सीइंग एंटायरली डिफरेंट इंडिया, क्योंकि सीनारी ऑफ फर्नीचर इज एंटायरली चेंज हो गया है. फास्ट सर्विस एंड फास्ट ग्रोथ एंड फास्ट वर्क प्रीलैमिनेशन से होता है. सो हम पहले जब 2010 में स्टार्ट किया था, वन ट्रक से स्टार्ट किया था, जब 2019 में 31 ट्रक्स तक पर मंथ में बेचना चालू किए थे, देन नाउ वी आर सेलिंग मोर देन 85 ट्रक्स पर मंथ. तो कोविड का बाद में इट हैज़ रिप्लिकेटेड लाइक एनीथिंग. सो डबल द बिजनेस सो प्रीलैमिनेशन एंड MDF में या पार्टिकल बोर्ड में हो चुका है. सो इन ओनली इन ग्रीन MDF वी आर सेलिंग मोर देन 100 ट्रक्स. साल 2002 में अनिल जी के भाई भी उनके कारोबार से जुड़ गए. उनके आने के बाद कारोबार में और तेजी आई. अब सप्तगिरी ग्रुप ग्रीन पैनल के MDF के अलावा प्लेन MDF, प्री लैमिनेटेड MDF, बोर्ड और वुडन फ्लोरिंग भी सेल कर रहे हैं. आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई जॉइंड सप्तगिरी ग्रुप इन 2002. वी हैव बीन स्टार्टेड विद ग्रीन पैनल प्लेन MDF एंड लेटर वी हैव टेकन मटेरियल ऑफ प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स ऑल्सो ग्रीन वुडन फ्लोरिंग. सो वी आर डूइंग क्वाइट वेल इन बोथ दीज प्रोडक्ट्स. सप्तगिरी ग्रुप के साथ धनसुख पटेल का पारिवारिक रिश्ता बन चुका है. उनके परिवार के पास टिम्बर और लकड़ी के कारोबार में 3 दशक पुराना अनुभव है. धनसुख पटेल और अनिल भाई मिलकर न सिर्फ बैंगलोर बल्कि कर्नाटक के बाहर भी इस कारोबार को बढ़ाने की प्लानिंग में काम कर रहे हैं. जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मतलब फैमिली बिजनेस, तो मुझे लगा कि लकड़ी और टिम्बर वुड इंडस्ट्री से आगे कुछ है जहाँ पे प्रोसेसिंग हम लोग कर सकते थे. वहाँ पे मुझे एक मौका मिला कि अनिल भाई से, और हमारा मतलब फैमिली रिलेशन भी था, अनिल भाई का फैमिली और हमारा फैमिली बिजनेस रिलेटिव भी, हम लोग 20 साल से हम लोग जुड़े हुए थे. बिजनेस को एक अलग और अलग जो दिशा पे बिजनेस जा रहा था, बिल्डिंग मटेरियल और पैनल इंडस्ट्री, तो हमें, मुझे भी लगा कि हमें कुछ वो तरफ हमें देखना चाहिए. उसी टाइम पे अनिल भाई का और हमारा पारिवारिक जो रिलेशन है वो एक बिजनेस और पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ. और मुझे जैसे लगा कि अनिल भाई से जब जुड़े हम लोग पार्टनर से, लेकिन आज हम एक भाई से भी आगे एक रिलेशन जो होता है उससे हम जुड़े हुए हैं, और फैमिली का जो बॉन्डिंग होता है वो और एक लेवल से हुआ है. और अनिल भाई का जो जज्बा और जो बिजनेस करने का था वो मैंने उसके, हमारे फैमिली बिजनेस में जब हम वेंडर और सप्लायर का हमारा रिलेशन था उसमें देखा था, उनका जज्बा जो था, वो लोग रात दिन होते हुए पहले बिजनेस पे उन कॉन्सेंट्रेशन था, और एथिक्स और बिजनेस पे मतलब जो एक वैल्यूज होने चाहिए वो उन्होंने बरकरार रखे थे. सप्तगिरी के साथ आज कर्नाटक के सैकड़ों डीलर जुड़े हैं. इस ग्रुप के साथ उन्हें बिजनेस में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि कंपनी जो कमिटमेंट करती है उसे 100% पूरा करती है. सप्तगिरी पैनल बोर्ड्स, मैं उनके साथ 22 साल से एसोसिएटेड हूँ, राइट फ्रॉम जब वो बीवीके अंगा रोड में बैठते थे, मैं भी बीवीके अंगा रोड में था, तब से हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं. आदमी अपने, बोलते हैं ना, कतनी और करनी एक जैसी करता है, जो बोलता है वो करता है. अगर किसी कोई चीज़ का कमिटमेंट दिया है, लेट इट बी इन द टर्म्स ऑफ पेमेंट, लेट इट बी इन द टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट या क्वांटिटी, दोनों ही अगर हॉनर करता है तो बराबर ही है. इसके ऊपर आदमी को चाहिए क्या? जब आदमी की कतनी और करनी है सेम हो तो अपने आप गुडविल तो बनती रहेगी. ग्रीन पैनल जब से ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, मैं तब से उनसे ग्रीन पैनल ले रहा हूँ, और ग्रीन पैनल प्रोडक्ट वाइज बहुत ही बढ़िया है, MDF के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है. जाहिर है, सप्तगिरी और अनिल भाई के लिए ये सफर माउंट एवरेस्ट फतह करने जैसा है.